देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सूरत एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार के साथ उस जोरदार कोहरे के बीच रफ्तार से भाग रहे थे। जोरदार स्पीड के चलते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और गाड़ी बगल में ही दिखने वाली खाई के अंदर चली गई। लेकिन उससे पहले मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हो चुके थे जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप बुरी तरह से कपकपा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सूर्या है और मैं ट्रक चलाने का काम करता हूँ। मेरी गाड़ी को सभी लोग सूरत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं और उसकी वजह यह है कि मैं पिछले बहुत ही सालों से बस इसी काम में लगा हुआ हूँ और लोग मुझे इसी नाम से जानने लगे थे। ऐसे में जब भी मेरी ट्रक इलाके से गुजरती तो सभी लोग सूरत एक्सप्रेस से बुलाने लगे थे। मेरे साथ साथ अब मेरे गांव का एक लड़का भी मेरे साथ काम करने में लगा था। वो जानता था कि मैं इस काम का एक पुराना मेंबर हूँ और सभी चीज़ों को भली भांति जानता हूँ। जब मैं 17 साल का था तब से ही मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त मैं एक खलासी के रूप में काम करता था, लेकिन 4-5 साल तक मैंने कोई भी ट्रक नहीं चलाया था। आज इतने लंबे अरसे के बाद जब मैं सब कुछ सीखने के बाद ट्रक चला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे ट्रक चलाना नहीं आता। दोस्तों, ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर किसी के लिए भी ट्रक ड्राइव करना मुश्किल हो। आजू बाजू में छाए हुए विशाल बरगद के पेड़ इस इलाके को बड़ा ही डरावना बना रहे थे। मेरे बगल में बैठा हुआ रघु नाम का वो लड़का बस मेरा ही मुंह देखता जा रहा था। वो समझ गया था कि हम मौत के बहुत ही करीब हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब हम ट्रक लेकर निकले थे तब हमने ये नहीं सोचा था कि आने वाला वक्त इस तरह की चीज हमारे सामने पेश कर देगा। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू करने की कोशिश तो की, लेकिन उससे पहले ही कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। ऐसे में मैंने रघु को जल्दी से दरवाजा खोलने को बोला और फिर वो मौका पाते ही ट्रक से नीचे कूद गया। हालांकि तब तक मैंने किसी तरह से ट्रक की रफ्तार को कम कर दिया था, पर मैं भी तुरंत ही ट्रक से नीचे कूद गया। और हम जैसे ही नीचे कूदे तो हमने देखा कि हम खाई में गिरने से बाल बाल बचे थे। हमें लग रहा था कि साइड ट्रक सीधा उस खाई में जाकर गिर जाएगी, लेकिन हम गलत थे। ट्रक अभी अच्छी खासी रफ्तार से सड़क पर भागी रही थी और इतने में ही ट्रक ने एक गाड़ी को कुचल दिया। वैसे तो मैंने इस रास्ते पर बहुत ही कम गाड़ियां गुजरती देखी थी, लेकिन जो गाड़ी इस समय मुझे दिखाई दी थी उसे मेरी ट्रक ने चकनाचूर कर दिया। इस खौफनाक दृश्य को देखने के बाद शायद कोई कमजोर दिल वाला इंसान अपनी जान ही गंवा दे। ट्रक बार बार उस गाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रक के अंदर कोई बैठा हुआ है और वो जानबूझकर उस गाड़ी को कुचल रहा हो। दोस्तों, 6 से 7 बार मैंने अपनी आंखों से ऐसा होता हुआ देखा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा कोई और भी ट्रक के अंदर था जो ट्रक को काबू कर रहा था। मैंने रघु की तरफ देखते बोला, भाई अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर वो टाइम दूर नहीं है जब हम दोनों सलाखों के पीछे खड़े होंगे। मेरी बात सुनकर रघु ने भी गर्दन हिलाई और फिर हम जल्दी से अपनी ट्रक की तरफ भागने लगे। तभी मुझे लगा कि शायद स्टीयरिंग में कोई खराबी हुई है जिसकी वजह से ट्रक मेरी काबू में नहीं आई। मुझे कुछ भी करके ट्रक को रोकना होगा, वरना वो ट्रक सब कुछ तबाह कर देगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो लगाई, लेकिन जैसे मैं ट्रक के पास पहुंचने वाला था तो मेरा ट्रक अचानक ही वहां से फुल स्पीड में भागते हुए आगे निकल गया और मैंने जो सोचा था फिर उसका उल्टा हुआ। मुझे तो लगा था कि ट्रक खाई के अंदर गिर जाएगी और उसके बाद में इस बड़े नुकसान की भरपाई अच्छी तरह से सह लूंगा, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही पलट गया। ट्रक पूरी रफ्तार से वहाँ से भागते हुए निकली और किसी दूसरी दिशा में चलने लगी। मुझे विश्वास था कि अगर मेरी ट्रक को कोई दूसरी गाड़ी नजर आएगी तो वो उसे भी कुचल देगी, क्योंकि अब मेरी ट्रक टार्जन द वंडर की तरफ बन गई थी जो कभी भी ऑटोमेटिकली ड्राइव होकर किसी को भी ठोंक सकती थी। मुझे इसके लिए डर तो लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने एक दो बार अपने कुछ जान पहचान के लोगों को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। बार बार मैं फ़ोन लगाता तो फ़ोन कट हो जाता। शायद इसकी वजह क्षेत्र में नेटवर्क की कमी थी जिस वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर हम किसी तरह से उस गाड़ी के पास पहुँचे जिसका अभी अभी बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। और हम जैसे उस गाड़ी के पास पहुँचे तो हमने देखा कि उस गाड़ी के आसपास में कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अगर गाड़ी के अंदर कोई आदमी होता तो शायद वहाँ से निकलने की कोशिश करता।
ऐसा भी तो हो सकता था कि ट्रक ने गाड़ी को कुछ इस कदर कुचल दिया था कि वो आदमी अंदर ही मर गया हो। उस वक्त ना जाने कितने ख्याल मेरे दिमाग में थे। किसी तरह से मैंने उस गाड़ी के फाटक को खोलना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने गाड़ी को इधर उधर बिखेर दिया। लेकिन सच कहूँ तो मैं ये देखकर हैरान था कि गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद ही नहीं था। वो गाड़ी एकदम खाली थी और इतने में ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे आजू बाजू में कोई करा रहा हो। जब मैंने अपने पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी ने अपने पूरे बदन के ऊपर सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो दर्द के मारे बुरी तरह से करा रहा था। दोस्तों, उस आदमी को देखते मैं और रघु भागते हुए उसके पास पहुँचे, पर हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो आदमी उस गाड़ी से यहाँ पर कैसे पहुँचा। हो सकता था कि ट्रक की टक्कर लगने की वजह से वो चलकर इतनी दूर आया हो, लेकिन वो हमें पहले नज़र क्यों नहीं आया था। अब यही सोचते सोचते हम उसके पास पहुँचे तो हमने देखा कि उसका हाल काफ़ी बेहाल हो चुका था। उसकी गर्दन में काफ़ी मोच आ गई थी और साथ ही पूरे शरीर से खून बह रहा था। और मैं और मेरा खलासी रघु किसी तरह से उस आदमी को सहारा देकर उठाने लगे, पर तभी हमें ऐसा लगा कि सामने से कोई हेडलाइट की रोशनी चमक रही है और उस हेडलाइट की रोशनी को देखकर हमारी जान में जान आई। कम से कम अब हम इस आदमी को किसी तरह अस्पताल तो पहुंचा सकते थे। ऐसे में हमने सड़क के बीच में खड़े होकर उस हेडलाइट के सामने अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे वो हेडलाइट की रोशनी हमारे और भी करीब आई तो उसके बाद हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। दरअसल हमने देखा कि ये तो हमारी ही ट्रक थी और ड्राइविंग सीट पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। ट्रक को सही सलामत अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं समझ गया कि ये ट्रक नहीं बल्कि यमराज खुद हमारे पास चलकर आए हैं। दोस्तों, मैंने उस आदमी को वहाँ से हटाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक वो ट्रक हमारे बेहद करीब आ चुकी थी। उस आदमी से पहले मैंने अपनी जान बचाना बेहतर समझा, इसलिए मैंने उसे बीच सड़क पर ही छोड़ दिया और खुद सड़क के बगल में जा गिरा। सड़क के बगल में गिरने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट तो आ गई, लेकिन मैं उन खरोंच को बर्दाश्त कर सकता था। बाद में जब मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि अब मेरी ट्रक उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से कुचल चुकी थी। इतनी देर से जो उस आदमी की सांसें चल रही थी अब वो बंद हो चुकी थी। मेरी ट्रक किसी टारजन द वंडर की तरह बन गई थी जो शायद लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दे। इधर मेरा खलासी रघु भी इस तरह के नज़ारे से बुरी तरह से डरा हुआ था। हालांकि जैसे उस आदमी की सांसें थम गई तो उसके साथ ही ट्रक एकदम से बंद पड़ गई। पर मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। क्या सच में ट्रक के अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर ट्रक में किसी खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्रक का अपने आप घूम जाना और किसी को बार बार मार देना ये शायद ऑटोमेटिकली किसी खराबी की वजह से तो नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास होने लगा था कि ये किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का ही काम है। हालांकि आज से पहले मैंने इन चीज़ों के ऊपर यकीन तो नहीं किया, लेकिन आज मेरे साथ हुई इस घटनाओं ने मुझे इन चीज़ों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद मेरे खलासी ने बोला, अरे भाई, हमें एक बार ट्रक के अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। वैसे तो वो इन चीज़ों पर पहले से विश्वास किया करता था, लेकिन मैंने कभी भी भूत जैसी चीज़ों को वास्तविकता के नज़रिए से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी आज इस तरह की घटना मेरे साथ पेश आई थी तो उनसे ये बात सच साबित होती थी कि इस दुनिया में भगवान के अलावा भूत भी होता है। इधर मैं अपने दोस्त से यही सब बात कर रहा था कि हम अपनी ट्रक के अंदर जाएं या फिर नहीं, तो दूसरी तरफ मेरा दोस्त भी इस चीज़ से थोड़ा कन्फ्यूज था। इससे पहले कि हम ट्रक के पास पहुंच पाते कि अचानक हमें किसी के चीखने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से पीछे घूम गए तो हमने देखा कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए जो आदमी अभी अभी हमारे ट्रक के नीचे कुचल गया था अब वो एकदम से खड़ा हो गया था। उस आदमी को अपने सामने खड़ा देखकर मैं और रघु हम दोनों ही दहल गए। उस आदमी ने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ घुमाते हुए बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मैं इस सड़क के ऊपर मारा गया था और अब मैं इस चीज़ का बदला लेकर रहूँगा। पर हम भी अब समझ गए थे कि इतनी देर से जो कर्म कांड हमारे साथ हो रहा था वो इसी शख्स की वजह से हो रहा था। यही था जिसने इतनी देर से हमें परेशान किया हुआ था। दोस्तों, उस आदमी का इतिहास जानने से पहले मुझे अपनी जान की परवाह थी, इसलिए मैंने रघु की तरफ देखते हुए बोला, भाई जल्दी से ट्रक में बैठ और ट्रक को लेकर निकल। रघु ने भी मेरी बात में हामी भरी और उसके बाद हम दोनों भागते हुए ट्रक के अंदर पहुंच गए। वैसे तो हम इस बात से अच्छी तरह से रूबरू थे कि वो शख्स कभी भी हमारे ट्रक को
अपने काबू में कर सकता है। लेकिन हम ये भी जानते थे कि उसने ट्रक को अपने काबू में करके अपने आप को ही कुचला था, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे इंसान को नहीं मार सकता। अगर वो हमारी जान लेना चाहता है तो शायद ट्रक से हमें भी मरवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब वो किसी दूसरे इंसान को मारने के लिए शायद ट्रक को काबू में नहीं कर सकता। यही सोचकर मैं और रघु ट्रक के अंदर बैठ तो गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमारी सोच से भी परे था। फिर किसी तरह से रघु ने ट्रक को ड्राइव करना शुरू कर दिया। वैसे तो रघु से अच्छा ड्राइविंग मैं जानता था, लेकिन उस समय माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था कि हम दोनों इधर उधर कब हो गए पता ही नहीं चला। रघु ने ट्रक को रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया और फिर जैसे हमने अपने पीछे की तरफ देखने की कोशिश की तो हमें सड़क एकदम खाली पूरी नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अब हमारा पीछा नहीं कर रहा है। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि शायद अब हमारा उस आदमी से पीछा छूट गया है और अब हम बड़े ही आराम के साथ ये रास्ता काट कर आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, किस्मत का जब बड़ा बुरा दौर आता है तो इंसान की जिंदगी किसी भी एंगल से इंसान को खुद ही दर्द देने लगती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। मेरी ट्रक अच्छी खासी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी मुझे बीच रास्ते में कुछ लोग नजर आने लगे। गिनती करके बताऊं तो शायद वो 300 से 400 लोग थे जो सड़क के बीच में पड़े थे। उन सभी की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, तो कुछ लोग सड़क पर इस तरह से पड़े थे मानो उनको मरे आज काफी साल हो गए हैं। वो सभी पूरी तरह से सड़क के ऊपर इधर उधर बिखरे हुए थे, जिस वजह से मुझे अपनी ट्रक की रफ्तार को कम करना पड़ा। मैंने ट्रक की रफ्तार को काफ़ी हद तक कम तो कर दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी ट्रक उन लोगों के सामने पहुंची, तो मैंने देखा कि वो सभी लोग बस एक ही जगह पर स्थिर थे मानो सबको सांप सूंघ गया हो। पर उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि हलचल कर सके। उन सभी लोगों को इस तरह खामोश देखकर मैंने एक बार के लिए आवाज़ भी लगाई, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मेरे बगल में बैठे उस रघु ने बोला, अरे भाई साहब, मुझे लगता है ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। रात को सड़क के ऊपर इस तरह से कौन सोता है? कहीं ना कहीं ये लोग शैतान की बस्ती के निवासी हैं। उसकी बात मुझे काफ़ी हद तक सही लग रही थी। और फिर जब हमारे साथ ही वो छोटा सा कांड हुआ था, तो उसके बाद से ये सब चीज़ें हमारे लिए एक नॉर्मल सी हो गई थी। हमें बार बार भूत प्रेत से सामना करना पड़ता, तो ऐसे में मुझे भी यही लग रहा था कि शायद ये सब किसी अनजानी शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहता तो अपने ट्रक को उन सभी लोगों के ऊपर से निकाल सकता था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए करना सही नहीं था। मैंने अपने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मेरे साथ काम करने वाला वो लड़का रघु भी नीचे उतरा और हम दोनों नीचे उतर कर देखने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। हम जैसे नीचे उतरे तो हमने देखा कि वहाँ पर पड़े सभी लोग अजीब ढंग से नजर आ रहे थे। हमने एक एक करके उन सभी लोगों को देखना शुरू कर दिया। हम जैसे जैसे उनके बगल से गुजरते जा रहे थे, तो वैसे वैसे हम उन सभी में एक अजीब सी चीज़ नोटिस कर रहे थे। दरअसल वो सभी अपनी खुली हुई आंखों के साथ सोए हुए थे। अब ये नज़ारा हमारे लिए सच में बहुत ही डरावना था और हम समझ गए थे कि हम जिन लोगों के पास से गुजर रहे हैं वो कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, बल्कि भूत प्रेत की बस्ती के लोग हैं जो हम पर मौका मिलते ही अटैक भी कर सकते हैं। ऐसे में मैंने अपने खलासी को बोला, भाई हमें इनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। मैंने उसे इतना ही बोला था कि रघु बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रघु एक ही जगह पर खड़े खड़े इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि रघु के पेट से खून बहने लगा। उसके पेट में एक बहुत ही हल्का सा छेद बन गया था। रघु को इस हालत में देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये कोई अदृश्य शक्ति कर रही थी जो हमें दिखाई नहीं दे सकती थी। मैंने रघु को पकड़ा और उसे अपने कंधे का सहारा देकर वहां से निकलने लगा, लेकिन वो अभी भी उसी तरह से चिल्ला रहा था। और किसी तरह से मैंने उसको सहारा दिया और फिर उसे ट्रक तक लेकर गया। ट्रक के पास ले जाने के बाद मैंने किसी तरह से उसे ट्रक के अंदर बैठा दिया और उसके पेट के ऊपर एक कपड़ा बांध दिया, जिस वजह से उसका खून थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जितना मैंने सोचा था ये इलाका उससे कहीं ज़्यादा भयानक निकला। मैंने ट्रक को अब उन लोगों के ऊपर से निकालने का फैसला किया, क्योंकि अब जो होना था वो तो पहले ही हो चुका था। बस अब मुझे उन लोगों की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो सभी एक शैतान थे और शैतान कभी नहीं मरते।
ऐसे में मैंने ट्रक की रफ्तार को बढ़ा दिया और उन सभी लोगों के ऊपर से ट्रक को निकालने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी ट्रक उनके पास पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि कोई भी मेरी ट्रक के नीचे नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी ट्रक किसी परछाई के ऊपर से गुजर रही हो जिसके होने का कोई एहसास ही नहीं होता। सच में उस वक्त मुझे पूरी तरह से विश्वास तो हो गया था कि ये सब इस आदमी का किया धराया है जो शायद अभी भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। एक बार के लिए जब मैंने अपने ट्रक को साइड मिरर में देखा तो उसके बाद तो मेरे पैरों में सूजन आने लगी। दरअसल मैंने देखा कि मेरी ट्रक की छत के ऊपर मुझे वही आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, या फिर यूं कहें कि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। शायद वो शैतानी मुस्कान ये बयां कर रही थी कि हम दोनों किसी खतरे में थे और आखिर अब हमारे साथ क्या हो सकता था। मैं मन ही मन भगवान का नाम तो ले रहा था लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। जब तक शैतानों की बस्ती में हम लोग अपनी ट्रक चला रहे थे तब तक शायद उनके अलावा हमारे ऊपर किसी दूसरी शक्ति का साय नहीं मंडरा सकता था। पर मैंने हार नहीं मानी और रफ्तार से ट्रक को चलाता ही रहा। रास्ते में ना जाने कितनी बार मुझे कठिनाइयों से पेश आना पड़ा लेकिन मैंने ट्रक की रफ्तार को बिल्कुल भी कम ही नहीं किया। धीरे धीरे ट्रक उस एरिया से निकलने लगी और साथ ही सुबह का वक्त भी होने लगा। शायद यही वजह थी कि उस शैतान ने हमारा पीछा छोड़ा। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी वो शैतानी मुस्कान थी लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मेरी ट्रक की छत से पूरी तरह से गायब हो गया। इधर मेरे साथी रघु का हाल बेहाल था, वो पूरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। ऐसे में मैंने उसे सबसे पहले अस्पताल की तरफ ले गया। पर अच्छी बात ये थी कि ट्रक जब तक अस्पताल तक पहुंची तब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था। अस्पताल में ले जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त को पेट में सुई की तरह किसी तीखी चीज से कोई घाव लगा है जिस वजह से उसके पेट से खून बहने लगा था। धीरे धीरे डॉक्टर ने उसका इलाज किया और वो किसी तरह से ठीक हो गया। फिर हम लोग लगभग 6 से 7 घंटे हॉस्पिटल में रहे और जब उसकी तबीयत थोड़ी सही हुई तो मैंने उसे एक गाड़ी से उसके घर तक पहुंचा दिया और मैं खुद अकेला ही ट्रक लेकर डिलीवरी के लिए निकल गया। दोस्तों उस रात मैंने अकेली डिलीवरी तो कर दी थी लेकिन मैं दोबारा से उस रास्ते से नहीं निकला क्योंकि मैं जानता था कि शैतानी बस्ती के वो लोग मेरा फिर से इंतजार कर रहे होंगे। तो ऐसे में मैंने 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना ही ठीक समझा लेकिन मैं दोबारा कभी भी उस भयानक रास्ते से फिर नहीं गुजरा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।